क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। रोशन परचेज्ड एग्स फॉर रुपीज़ 350 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 185। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। देखो हमें क्या निकालनी है, बोला गया क्वेश्चन में कि रोशन ने एग को ख़रीदा कितने रुपीज़ में, 350 रुपीज़ में, और 185 रुपीज़ के लॉस के साथ, घाटे के साथ उसने उसे सेल कर दिया। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है कि उसने कितने में बेचा। तो आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 350, लॉस हमें दिया हुआ है रुपीज़ 185। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस को हम SP कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को CP कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है 350 माइनस लॉस है 185। तो जाएगा सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो गई रुपीज़ 165। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसी बॉट एन अलमीरा फॉर रुपीज़ 5698 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 9800। फाइंड इज गेन। क्वेश्चन में बोला है कि ऋषि ने अलमीरा खरीदी कितने रुपीज़ की, 5698 की, और सोल्ड कर दिया मतलब सेल कर दिया उसे 9800 में। तो उसे प्रॉफिट ही हुआ, तो पूछा है कि कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा 5698, सोल्ड किया 9800 में, गेन हो जाएगा सेलिंग प्राइस मतलब जितने में सोल्ड किया उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो 9800 माइनस 5698 आंसर हो जाएगा 4202। होमवर्क है, अशी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 959 एट अ लॉस ऑफ 275। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। आशी ने सोल्ड किया आर्टिकल मतलब बेचा आर्टिकल को 959 रुपीज़ में। जब उसने 959 रुपीज़ में बेचा तो उसे 275 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। याद रखना, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, लॉस होने में क्या करना होता है, ऐड करना होता है जितने में सेल किया हो उसे और जितना लॉस हुआ हो उसे। आप लोग खुद से करेंगे। अंशु बॉट वाटर बॉटल फॉर इतना एंड सोल्ड एट इतना। अंशु ने वाटर बॉटल ख़रीदी 199 में, सोल्ड की उसे 259 पे। तो फाइंड द गेन और लॉस। तो देखो 199 में ख़रीदी थी, 259 में सेल कर दी, तो हुआ तो उसे गेन। तो गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। इससे आप लोग निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।